प्रोजेक्ट की बात हो रही थी वहां पर अच्छा एक्शन आपको दिख रहा है, अदरवाइज भी पिछले कुछ दिनों से स्टॉक में एक मूव बन रही है। जैन साहब से एक बार जरा इस पर राय लेते हैं। जैन साहब कवर करते हैं सर सेंचुरी टेक्सटाइल, जरा देखिए अच्छा एक्शन इसमें बना हुआ है। देखिए कवर तो वैसे करते हैं और आज एक्शन है सर्टेनली, एक ये क्वासी रियल एस्टेट प्ले है और आज सुबह का डिस्कशन भी इंटरेस्टिंग में सुन रहा था, कैसे बग्गा जी का घर उनके पास है, आप लोग की ऑफिस और बंसल जी ने जो अड़ोस पड़ोस की बातें की, तो सेंचुरी टेक्सटाइल इनफैक्ट देखिए एक बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर है। वैसे मैं तो यही बोलूंगा कि परफॉर्म वैसे नहीं किया बट इन सालों में इनफैक्ट वैसे परफॉर्म किया है, तो टेक्सटाइल प्ले नहीं बोल के आप रियल एस्टेट प्ले बोलेंगे एंड आई थिंक जो भी मोनेटाइजेशन होता है वो सर्टेनली आएंगे ही, और कुछ इनका रियल एस्टेट ये सब पेपर रियल एस्टेट और ये सब का जो प्रेजेंस है तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत वो चलता है, बट ओवरऑल मुझे कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग ये स्टॉक वैसे लगता नहीं है। रियल एस्टेट प्ले के लिए मैं बॉम्बे के दूसरे प्लेस के ऊपर जाऊंगा, वो ज्यादा बेहतर लगते हैं, बाकी क्योंकि फंडामेंटल्स कोई बहुत ज्यादा इन सिंक मुझे लगते नहीं है और थोड़े यही रहता है कि कुछ इनके मोनेटाइजेशन का ही बेनिफिट मिलेगा, तो जनरली मार्केट्स में ऐसे स्टॉक्स पे दाव लगाने की बजाय थोड़ा सा एग्जैक्टली अगर आपको रियल एस्टेट में जाना तो प्रेस्टीज है, ओबेरॉयज है, डीएलएफ है, ये सारी बड़ी कंपनी में, और छोटे में भी बहुत सारे नाम है जो आगे पे महिंद्रा लाइफ स्पेसेस अभी इनफैक्ट वेल्थ क्रिएशन पीक जो अनिल जी की थी वहां पे मुझे ज्यादा कन्विक्शन आता। ओके, तो आउटसाइड ऑफ सेंचुरी टेक्सटाइल्स और बेटर प्योर प्ले जो रियल एस्टेट प्लेज हैं वहां पर आप जाइए, मौके ज्यादा अच्छे यहां पर मिलेंगे। बट कुछ और